हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल सीखा की रसोई में। आज मैं सर्दी खांसी बुखार के संक्रमण को दूर करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए घर के मसालों से कैसे काढ़ा तैयार करते हैं उसका वीडियो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि हम घर के मसालों से कैसे काढ़ा तैयार करते हैं। 4 कप काढ़ा बनाने के लिए मैंने घर के कुछ मसाले लिए हैं। उसके लिए मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, आधी चम्मच मेथी, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, आधी चम्मच सौंफ, 10 से 12 तुलसी के पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा अदरक और सेंधा नमक। अब हम काढ़ा बनाने के लिए हमें 4 कप काढ़ा बनाने के लिए हमें उससे दुगना 8 कप पानी चाहिए। मैंने उसके लिए 8 कप पानी ले लिया है। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। सौंफ पेट को ठंडा करता है, अजवाइन सर्दी खांसी बुखार उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, मेथी डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, दालचीनी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ाता है, काली मिर्च गले की खराश को सही करता है, तुलसी पत्ता सर्दी जुखाम खांसी बुखार के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, सेंधा नमक गले की खराश को सही करता है। अब हम इसमें अदरक लौंग और काली मिर्च को कूटकर डाल देंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये आधा हो जाए। इसमें हम आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, ये हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का काम करता है। अब हम इसे इतना खोलाएंगे कि पानी आधा हो जाए। काढ़े को हमेशा आप हल्के नाश्ते के बाद ही लें। काढ़ा तैयार हो गया है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और हमें संक्रमण होने से बचाता है। आप इसे दिन में 1 बार ज़रूर लें। थैंक यू।